हाय गाइस, एक सुंदर सा, एक अच्छा सा, एक प्यारा सा पक्षी बहुतायत में, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसका एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। ये गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक देवी का स्थान है। उसके आसपास बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनमें बहुत सारे पक्षी हैं। तो उस देवी के स्थान के आसपास गांव के लोग वहां जाते हैं और सुबह सुबह बहुत सारा अनाज इन पक्षियों के लिए लेके जाते हैं, और वहां पानी की व्यवस्था भी कर रखी है। तो वहां जाके लोग इनके लिए चुगा डालते हैं, तो बहुत सारी संख्या में ये उन पेड़ों में से निकल के, या बड़े बड़े हम पीपल के पेड़ हैं वहां से उड़ उड़ कर ये पिकॉक्स बहुत सारी संख्या में, अब धीरे धीरे आप देखोगे इतने सारी संख्या में यहाँ पर ये इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि अभी अभी मैं भी यहाँ पर ये चुग्गा लाया था और इनके लिए डाला था, तो उसकी वजह से अब इनकी संख्या बढ़ने लग जाएगी। मैं थोड़ा दूर जाके खड़ा हो गया क्योंकि ये जंगली हैं तो ये डरते हैं। अब आप ये आवाज़ जो सुन रहे हो, चारों तरफ की यहाँ और बहुत सारे पक्षी हैं। ये पिकॉक्स तो थोड़े आदमी से डरते कम हैं, इसलिए आ जाते हैं दूर देख कर, नज़दीक होते हैं तो शायद ये भी भग जाते। लेकिन और सारे पक्षी जिनकी आप आवाज़ सुन पा रहे हो, एक बार ये आवाज़ सुनिए कितनी सारी आवाज़ें हैं। ये सारी आवाज़ें पक्षी हैं, बहुत सारे पक्षी हैं। अब आप जानते हो जंगल ज़्यादा बचे नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में इनको घोंसला रखने के लिए जगह भी लोगों ने नहीं छोड़ी है। तो ये पक्षी इस तरीके के जगह ढूंढते हैं जहाँ घने घेरे पेड़ हों, तो शिकारी पक्षी इनके बच्चे या अंडे ना खा सके। तो इस देवी के स्थान के आसपास बहुत सारा एक एरिया छोड़ रखा है लोगों ने, और उस एरिया में ऐसे घने भारी पेड़ हैं, उनमें घोंसला बनाते हैं। और ये पिकॉक्स जो हैं, इनको बैठने के लिए तो ऊंचे पेड़ चाहिए बड़े, रात को, और दिन में यहाँ इनको अच्छा, बहुत अच्छा खाना मिल जाता है। लोग सुबह सुबह इतना अनाज डाल के जाते हैं, इतना उसको ये सुबह 10-11 बजे तक सबको चट कर जाते हैं। अब ये उस समय का टाइम है जब ये सारे उपस्थित हैं, बाकी बाद में सारे जंगल में गुम हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब।